दोस्तों कुछ दिनों से ना आपको ये न्यूज ज्यादा आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होगी, व्हाट्सएप में चाहे किसी ग्रुप में या फिर यहाँ तक कि इसकी वीडियोस में यूट्यूब में आ चुकी है, या कहीं ना कहीं इस न्यूज को देखा होगा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर ना आधार कार्ड, यहाँ पर न्यू आधार कार्ड बनना यहाँ पर बंद कर दिया गया है। कि दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 वर्ष से अधिक उम्र वालों की यहाँ पर आधार कार्ड, नए आधार कार्ड बनना बंद कर दिया गया, यानी अब आधार सेंटर पर आधार कार्ड बनना बंद हो जाएगा। 5 वर्ष से अधिक उम्र वालों के, सिर्फ 5 के नीचे ही वालों के आधार कार्ड बनेंगे। इस न्यूज को कहीं ना कहीं आपने देखा होगा व्हाट्सएप में या फिर कहीं फेसबुक में या फिर यूट्यूब में। तो दोस्तों आखिर इसके पीछे सच्चाई क्या है, तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने इसका मैसेज जो ना व्हाट्सएप में यहाँ पर देखा हुआ था, फिर इसकी वीडियो में मैंने यूट्यूब में देखी, तो यहाँ पर यूट्यूब में भी इसकी वीडियो आ गई थी कि अब यहाँ पर आधार कार्ड बनना यहाँ पर बंद हो गए, यानी अब आधार कार्ड नहीं बनेंगे, सिर्फ 5 वर्ष के नीचे उम्र वालों की आधार कार्ड यहाँ पर बनेंगे, यानी बच्चों के आधार कार्ड यहाँ पर बनाए जाएंगे। तो यहाँ पर बताया गया था कि यहाँ पर जो है इसकी UIDAI की तरफ से नोटिफिकेशन को जारी किया गया, UIDAI की तरफ से यहाँ पर अपडेट आया। तो मैंने यहाँ पर रिसर्च किया, मैंने UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के देखा, और फिर मैंने यहाँ पर ऑफिशियल ट्विटर हैंडल में भी जाकर के देखा, यानी UIDAI की ऑफिशियल ट्विटर हैंडल में भी जाकर के देखा। तो दोस्तों मुझे वहाँ पर कहीं भी ऐसा अपडेट या फिर ऐसा कहीं भी नोटिफिकेशन नहीं मिला कि जहाँ पर बताया गया हो कि 5 वर्ष से अधिक उम्र वालों की आधार कार्ड बनना बंद हो गया, यानी अब 5 वर्ष से अधिक उम्र वालों की आधार कार्ड आधार सेंटर पर नहीं बनेगी, यानी किसी स्टेट लेवल में या फिर डिस्ट्रिक्ट में बनेगी, ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया था। जैसे कि ना इस न्यूज में बताया गया था कि अब आपके आधार कार्ड 5 वर्ष से अधिक उम्र वालों की आधार कार्ड नहीं बनेगी, अगर बनेंगे तो स्टेट लेवल में या फिर डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पर बताया गया कि भोपाल इंदौर में आपका आधार कार्ड बनेगा अगर 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर रिसर्च किया, ऑफिशियल वेबसाइट में भी जाकर के देखा, तो मुझे ऐसा कुछ भी नोटिफिकेशन, ऐसा कुछ भी अपडेट नहीं मिला। यह ना एक फेक न्यूज है, फेक अफवाह है। दोस्तों जरा आप दिमाग लगा के सोचिए, अगर यहाँ पर आधार कार्ड यहाँ पर बंद कर दिया जाता है, तो यहाँ पर थोड़ा आप सोचिए कि यानी जो रूरल एरिया की, यानी जो पहाड़ी एरिया की, जैसे कि मुझे देख लीजिए, मैं ना यहाँ पर पन्ना जिले से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पर ना पहाड़ी एरिया बहुत है, और वहाँ पर पहाड़ी एरिया में यहाँ पर आदिवासी यहाँ पर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो बहुत से लोग हैं जिनके अभी आधार कार्ड यहाँ पर बाकी है, जैसे मैं अभी बिलोंग करता हूँ वहाँ पर एक आदिवासी एरिया, तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं कि यहाँ पर अभी बहुत लोग हैं जिनके अभी आधार कार्ड बनना बाकी है। तो ये बात आप भी जानते हैं कि रूरल एरिया में, यानी पहाड़ी एरिया में अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके आधार कार्ड बने नहीं, यानी आधार कार्ड बनवाते तो यहाँ पर उनकी उम्र जब हो जाती है 8 साल 10 साल 15 साल, इनकी जब इतनी उम्र हो जाती है तब वो आधार कार्ड यहाँ पर बनवाते हैं। दोस्तों मेरे गांव में देख लीजिए कि अभी यहाँ पर ना अभी बहुत से लोग हैं जिनके अभी आधार कार्ड बने नहीं, यानी 30 साल की उम्र हो गई है, उनके आधार कार्ड यहाँ पर बने नहीं, और यहाँ पर बच्चों की बात की जाए तो जब वो 7 साल 8 साल के हो जाते तब वो आधार कार्ड यहाँ पर बनवा पाते हैं। अगर आप सोचिए अगर किसी स्टेट लेवल में अगर बनने लगे तो फिर वो बनवा ही नहीं पाएंगे कभी, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर जाएंगे तो 3 दिन या 2 दिन का समय तो लग ही जाएगा। अगर उतने दूर जाएंगे, इंदौर भोपाल जाएंगे, तो यहाँ पर 2 से 3 दिन का यहाँ पर समय तो लग ही जाएगा। तो कितनी परेशानियाँ आएंगी अगर कोई स्टेट लेवल में डिस्ट्रिक्ट लेवल में बनवाता है, तो यहाँ पर बहुत सी परेशानियाँ आएंगी। दोस्तों ऐसे बहुत से एरिया हैं, यानी वैसे जहाँ पर अभी उनको सही जानकारी नहीं मिल पाती, ऐसे बहुत से एरिया, बहुत से रूरल एरिया जहाँ पर अभी ऐसी जानकारी उन्हें नहीं मिल पाती है। बहुत से लोग जिनके आधार कार्ड नहीं बने और वो 7 साल 8 साल की उम्र में बनवा पाते हैं, अगर सोचिए अगर ऐसे में अगर स्टेट लेवल में बनने लगे तो कितनी परेशानियां आई, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। दोस्तों यह ना एक डिजिटल इंडिया है, इतनी आसानी से बंद नहीं होगा। हाँ आगे UIDAI और भारत सरकार की मर्जी, अगर वो चाहे तो यहाँ पर बंद कर सकते हैं। हाँ अगर ऐसा कभी होता है तो आपको जरूर बता दूंगा अपने चैनल के माध्यम से। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को ना ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि लोगों के मन से नए भ्रमें दूर हो कि अभी आधार कार्ड बन रहा है। वैसे अभी ऐसा कुछ भी अपडेट या फिर ऐसा कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं आई है कि अभी आधार कार्ड की सर्विस, यानी आधार कार्ड सेंटर यहाँ पर बंद कर दिया जाता है, यानी अब आधार कार्ड, नए आधार कार्ड नहीं बनेंगे। अभी ऐसा कुछ भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, ये सिर्फ अफवाह है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।